हेलो एवरीवन, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ कीमा मटन, जिसके लिए मैंने सामग्री ली है 250 ग्राम कीमा लिया है मटन का, 250 ग्राम मटर के दाने निकले हुए, एक छोटी प्याज, मीडियम साइज का टमाटर कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, चुटकी भर कलौंजी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा से भी कम चम्मच लाल मिर्ची, एक चुटकी हल्दी और हरी मिर्ची। मैंने लाल मिर्ची कम इसलिए ली है क्योंकि हरी मिर्ची ली है, आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्याज कट कर लेते हैं। प्याज को कट कर लिया है, गैस ऑन करते हैं हाई फ्लेम पर, ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 स्पून, प्याज को हल्की सी गुलाबी करनी है। जब प्याज हल्की सी गुलाबी हो जाए तो उसमें साथ में फ्राई करेंगे मटर। प्याज जब हल्की सी हो जाए, कलर भी चेंज नहीं हुआ, बस हल्की सी कुक सी हो जाए, तब उसमें ऐड करेंगे मटर के दाने और हरी मिर्ची। फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब मटर और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करते हुए कुक करना है। ये चलाते हुए थोड़ा सा पका लेते हैं प्याज को भी और मटर को भी। मटर हाफ कुक हो गई है, प्याज भी फ्राई हो गई है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। मटर के दाने और प्याज निकाल लिए हैं, अब फ्राई करेंगे कीमा। लहसुन अदरक का पेस्ट, आपको ऑयल कम कर लगे तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। यहाँ बाकी मसाले ऐड करेंगे, टमाटर, कलौंजी को छोड़कर सभी मसाले ऐड कर लेंगे। मटर निकालने की वजह यह है क्योंकि ये मटन का कीमा है, मटन का कीमा गलने में टाइम लगता है, और अगर हम साथ में मटर भी गलाएंगे तो मटर का बिल्कुल ही भुरता बन जाएगा। इस वजह से हमने मटर फ्राई करके निकाल लिया हाफ कुक कर। अगर आप मटन के कीमे की जगह चिकन यूज करें तो आप साथ साथ पका सकते हैं मटर और कीमे को। जब ये मसाले में हल्का सा भुन जाएगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, और पानी डालने के बाद इसे लगभग 10 से 15 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पर पकने देंगे क्योंकि गलने में इतना ही टाइम लेता है। मैं थोड़ा सा पानी सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये धुला हुआ फ्रिज का रखा हुआ है, इसमें अपने आप भी काफ़ी पानी होगा, इसलिए अब इसे सीटी लगाएंगे और लगभग 10 से 15 मिनट सिम आंच पर पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, प्रेशर भी नहीं है, कुकर खोल लेते हैं। 10 मिनट हल्की आंच पर पकाने के बाद जब प्रेशर ख़त्म हो गया तब हमने खोला है कुकर को। ये देखिए, देखिए कीमे को देख लें, कीमा गल गया है, और जो फ्राई करके मटर निकाली थी और प्याज वो ऐड कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको भून लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर रखकर भून लेते हैं। गैस ऑफ कर दिया है, देखिए जो पानी था उसे बिल्कुल खुश कर लिया, इसे भून लिया है। ऐसे ही मटर देख लेते हैं,
वैसे से सीटी लगाने की जरूरत नहीं होगी, मटर भी अच्छे से गल गए हैं, सीटी भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मटर फ्राई करके निकाल लिए थे। अब मटर अच्छे से नजर आ रहे हैं और ये भी भुन गया है। अगर आपको थोड़ा मसाला कभी कीमे में, किसी भी तरह का आप कीमा बनाए मटन का या चिकन का, कम लगे तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट कर कोई भी मीट मसाला बाजार का यूज कर सकते हैं। भुनने के बाद उसे ड्राई रोस्ट करके मिक्स कर लें, जो मैंने कलौंजी बचाई थी सबसे लास्ट में वो ऐड करेंगे, और एक खुशबू के लिए हरी मिर्ची, और इसे मिक्स कर देंगे। मैंने इसे बिल्कुल ड्राई रखा है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा तरी वाला रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ड्राई है, मटर अच्छे से गल गई है, कीमे को तो हमने सीटी लगाकर गला ही लिया था। तैयार हो गया है मटर कीमा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।